गुमला सहित झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त करने के विरोध में शुक्रवार को गुमला बंद का आह्वान किया गया, जिसको लेकर ओबीसी समुदाय के लोगों द्वारा जिला मुख्यालय सहित जिला से गुजरने वाले विभिन्न मुख्य सड़कों को जाम कर दिया गया, जिसके कारण पूरे शहर में अव्यवस्था का माहौल बन गया। चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। गुमला से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के गुजरने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओबीसी मोर्चा के नेता भुवनेश्वर साहू की माने तो सरकार द्वारा ओबीसी समुदाय की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। 7 जिलों में जिस तरह से रोस्टर आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, उससे ओबीसी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनके अस्तित्व को लेकर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लगातार सरकार पर दबाव बनाने के बाद भी जब सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मजबूर होकर उन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि इस दौरान भुवनेश्वर साहू ने लोगों से मिल रहे सहयोग को लेकर आभार व्यक्त किया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा बंदी को लेकर विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि सभी स्थानों पर पुलिस बल को लगाया गया ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को सही रूप से निकलने के साथ ही आवश्यक कार्य से जा रहे लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी विशेष ध्यान रखा गया। JTN न्यूज़ ब्यूरो गुमला।